हेलो सर, हाँ जी सर, हाँ जी, बताएं 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 बताएं। हाँ, आपने व्हाट्सएप चेक करा? नहीं, अगर वो वीडियो आई है, एक बार देखो तो आप। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, अभी देखता हूँ। ठीक है, देखता हूँ, एक मिनट ना। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के कोटा में मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही एक छात्रा ने मौत को गले लगा दिया है। सर आपने जी देखी सर। न्यूज़? हाँ देखा सर मैंने। सर बात समझ नहीं आती है, इतना बड़ा स्टेप बच्चे आजकल कैसे ले लेते हैं। पर सर एक स्टूडेंट की गलती क्या है उसमें? हर एक आ रहा है और बोल रहा है कि उस 17 साल के बच्चे की गलती है, पर उसकी दिक्कत क्या है किसी ने समझने की कोशिश करी? प्रॉब्लम हर एक कोचिंग इंडस्ट्री की है, प्रॉब्लम उन पेरेंट्स की है जो कि उस बच्चे पे दबाव बना रहे हैं। अरे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है ये, हर कोई नहीं कर सकता उसको क्लियर, और वो 17 साल का बच्चा इतना कैसे पढ़ेगा? और सब चाहते हैं कि वो AIR 1 लिया, AIR 2 लिया, नहीं है पॉसिबल यार। पर नहीं, सब गलतियां निकालते हैं उस बच्चे की, जबकि गलती हम सब की है, हम सब उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स, गलती हमारी है, बट कोई मानेगा नहीं इस बात को। सर सॉरी सर, वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया था तो गलती से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ओके ओके ठीक। हेलो हेलो, हाँ राजीव सर बताएं। सर वो व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ आई है देखी क्या सर आपने? जी सर देखा सर मैंने, देखा हाँ मैंने देख ली सर वीडियो। सर इसके लिए हम ही कुछ क्यों नहीं कर सकते? नहीं सर, हम क्या कर सकते हैं सर इसमें, जब वो कोचिंग इंडस्ट्री जो कि इतने करोड़ों रुपए ले रही है स्टूडेंट से, वो कुछ नहीं कर पाई, हम क्या करेंगे सर इसमें? जी सर वही तो सर। हाँ सर, हाँ सर, देख के दुख होता है बट अब कर भी तो कुछ नहीं सकते ना इसमें। जी सर, मतलब बात तो बिल्कुल सही है सर आपकी। ठीक है सर, चलिए। हाँ लियो लियो फाइल लियो। दसवीं क्लास में पढ़ता था, करेंगे। हेलो, हाँ राजीव सर आप सही कह रहे थे सर, कर सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल सर। आज मीटिंग करो 6 बजे और सभी टीचर्स को बुला लो। बिल्कुल सर, आज करते हैं कुछ बड़ा। इंडिया डिप्रेशन का कैपिटल बन चुका है, लाखों की संख्या में हमारा यूथ डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स, समस्या का शिकार है। इतना भी कंसंट्रेशन नहीं है तुम्हें? और उसका रीजन केवल और केवल एक है, जो कि है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। एग्जाम्स लाइक IIT JEE, नीट, UPSC, SSC, ऐसे कई हजारों एग्जामिनेशंस हैं जिनमें सिलेक्शन ना हो पाने के डर की वजह से आज का यूथ डिप्रेस्ड है, डीमोटिवेटेड है। नहीं होता यार मुझसे। उन्हें डर लगता है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो वो जिंदगी में आखिर करेंगे क्या। हमारे देश के अंदर लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हजारों रुपए लेते हैं स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से, बट फिर भी क्यों इस प्रॉब्लम का सलूशन अभी तक किसी ने नहीं निकाला है? बट अब ये बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। सो हाय एवरीवन, यार आज के समय की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमारे यूथ को खाए जा रही है वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी। इतने सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना हमारे देश के अंदर, जिसको कि आपका युवा यूथ प्रिपरेशन करता है, एग्जाम देता है, और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। और इतने स्टूडेंट से बात करके मुझे दो प्रॉब्लम के बारे में पता चला जिसकी वजह से स्टूडेंट डिप्रेस्ड है और एंग्जाइटी के अंदर है, मेजर दो प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि यार आज के समय पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोचिंग महंगी है। अगर तुम ऑफलाइन की बात करते हो तो उसके अंदर होता क्या है कि जब आपके पेरेंट्स इतने पैसे देते हैं, देखो यार आपके पेरेंट्स की महीने की इनकम कुछ भी हो सकती है, मैं एवरेज लेके चलता हूँ 50-60 हज़ार, 80 हज़ार रुपए, एंड वो अगर आपकी साल की कोचिंग की फीस 2-2.5 लाख रुपए भर रहे हैं तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो ऑब्वियसली बात है तुम पे प्रेशर क्रिएट करेंगे, तुमसे चाहेंगे कि तुम पढ़ाई करो और अपनी रैंक लाओ। तो सबसे पहला जो रीजन है वो तो होता है पेरेंटल प्रेशर, और जो आता किसकी वजह से, जो कि आता है पैसों की वजह से। कोचिंग बहुत महंगी है, बहुत सारी चीजें हैं, पेरेंट्स ताने भी मारते हैं, वो सारी चीजें। और दूसरा और मेन रीजन पता है क्या है?
कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट पता क्या होता है, जब आप एक कोचिंग के अंदर पढ़ रहे होते हो ना, तो उसके अंदर टेस्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं तो आपकी रैंक आती है और आपकी रैंक आपके बोर्ड के ऊपर चिपकती है, वो होता है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। क्योंकि बच्चे ना डरे होते हैं कि अगर मेरी इस बार रैंक पिछली वाली रैंक से कम आई तो कोचिंग में मुझे टीचर जज करेंगे, मेरे क्लास में बैठे हुए बच्चे मुझे जज करने लगेंगे, अगर मेरी रैंक बहुत कम आई तो यार मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे, मुझे सब बेवकूफ समझेंगे। तो ये होता है कॉम्पिटेटिव प्रेशर। और ये जो दो चीजें हैं ना, इसकी वजह से 90% स्टूडेंट्स आज के समय पर डिप्रेशन का शिकार है। अब बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हुए हंस रहे होंगे, डिप्रेशन क्या होता है। यार मैं बस आपको इतना बोलूंगा, डिप्रेशन आपको शायद उस दिन समझ आए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट उस दिन समझ आएगा जिस दिन आपका एक ऐसा मित्र जिसके साथ आप खेलते हो, खाते हो, कोचिंग जाते हो, एंड जब वो डिप्रेस होगा ना यार, जब वो आपसे बात करना बंद करेगा, उसके साथ चीजें ऐसी घटने लगेंगी, तो आपको समझ आएगा व्हाट इज डिप्रेशन। तो डिप्रेशन एक रियल प्रॉब्लम है और ये इस रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन निकाला है आज ने यार। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, आज जो मैं चीजें बताने वाला हूं, आज जो चीजें हम लॉन्च करने वाले हैं, उनसे इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं, क्योंकि यार हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, हमें जरूरत है और बड़े लोग आए, वो कोचिंग इंडस्ट्री आए, हमारे साथ जुड़े और इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाए। तो दो सरप्राइजेस, दो चीजें जो हम इसके सोल्यूशन निकाल के लाए हैं। तो पहला जो लॉन्च है, जो पहला सरप्राइज, वो ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको की प्रॉब्लम नंबर वन क्या था, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल चीजें नहीं मिलती हैं, सस्ती चीजें नहीं मिलती हैं, फ्री चीजें नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर देना पड़ता है। तो देखो यार, ऑनलाइन के अंदर तुम्हें बहुत सारे सस्ते कोर्सेज मिल जाएंगे, उसके अलावा फ्री यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, तो उसके ऊपर मुझे ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, सबसे पहली, वो ये है कि हमने EXP Hub का नीट का अलग से चैनल लॉन्च कर दिया है। अब आप सोचोगे कि यार भैया नीट चैनल लॉन्च करने से हमारा क्या फायदा, हमारा इसमें डिप्रेशन कैसे सॉल्व होगा, होगा। हमने आज से 6 महीने पहले 9th और 10th के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च करा, जिसके ऊपर हमने 10वीं का हर एक मटेरियल फ्री में दिया, जैसे कि सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कई फ्री मटेरियल हमने वहां पर प्रोवाइड करा, जिससे कि स्टूडेंट्स की मदद हो पाई और फाइनेंशियल इशू उनके खत्म हो पाए। उसके साथ साथ लेक्चर्स वगैरह तो चलते रहते हैं, वो तो आपको सब कराएंगे, बट हमारा मेन मोटिव है वो जो तुम्हारी जो मटेरियल वाली प्रॉब्लम है ना, कि भैया पैसे किताबें खरीदनी पड़ती हैं, 500,000, 2,000, 5,000 की किताबें खरीदो, फिर कोर्स खरीदो, फिर ये करो, फिर वो करो, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का सलूशन हमने निकाल दिया है, एक नया चैनल बनाकर नीट के लिए, जिसमें नीट का कंटेंट आएगा, नीट की किताबें आएंगी, नीट की जितनी भी चीजें हैं जो कि हम निकाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पेड कोर्स नहीं निकलेगा हमारी तौर से, हम सब कुछ जहां तक दे सकते हैं वहां तक आपको फ्री में देंगे, जहां तक दे सकते हैं सब कुछ फ्री में देंगे, और ये मेरा वादा है। तो मैं कभी बोलता नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल के लिए भी मैंने आज तक नहीं बोला, बट उस चैनल के लिए मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो या फिर तुम्हारा कोई मित्र है या फिर अभी तुम 10वीं में हो और तुम नीट 11th में परस्यू करने वाले हो, तो भाई आ जाओ, उसको ज्वाइन करो उस चैनल को, सब कुछ तुम्हें फ्री में लाकर रख देंगे, रिसोर्सेज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, स्ट्रेटजीज हो गई, मैं खुद आकर आपको सारी चीजें उसके अंदर सिखा दूंगा, इवन हम टीचर्स को भी ला देंगे, सब कुछ जितना हो पाएगा उतना आपके लिए फ्री में कर देंगे। वो जो पहली प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इश्यूज वाली, वो खत्म करेंगे सबसे पहले। अब दूसरा लॉन्च देखो, दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हम बच्चों को ये तो सिखा रहे हैं कि रैंक निकालो, रैंक निकालो, बट क्या हम उन्हें ये सिखा रहे हैं, इस एग्जाम से बड़ी तुम्हारी दुनिया है जो कि तुम्हें आगे जाकर जीनी है। तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं दो चीजें, जेई और नीट के लिए, क्योंकि यार देखो हमारी ऑडियंस जेई और नीट के, तो पहले हम उन्हीं के लिए लाएंगे, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बाद में जरूर लाएंगे यार, क्योंकि यार अगर हम सबके लिए लॉन्च कर देंगे तो फाइनेंशियल इश्यूज मेरे पास भी होते हैं, मैं तुमसे एक भी पैसे चार्ज नहीं करता हूँ कहीं पर भी, तो थोड़ा इश्यूज हमारे पास भी हैं, तो सबके लिए नहीं ला सकते, बट जेई और नीट के लिए लेकर आए हैं दो डिफरेंट टेलीग्राम चैनल। भाई टेलीग्राम चैनल से क्या होगा, उन टेलीग्राम चैनल को तुम्हें ज्वाइन करना है, और उस टेलीग्राम चैनल के अंदर हर वीक के अंदर एक लाइव ऑप्शन होता है, वहां पर मैं वीडियो कॉल के थ्रू आऊंगा और तुम सबसे बात करूंगा पर्सनली, तुम सबसे हम ग्रुप चैट करेंगे जिसमें हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ना केवल नीट और जेई की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, बट हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द लाइफ। नीट एक एग्जाम है, फिजिक्स स्ट्रेटजी, केमिस्ट्री स्ट्रेटजी, बायोलॉजी स्ट्रेटजी, बट उसके अलावा हम बात करेंगे कि यार देख ये एग्जाम है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, यार तुझे नींद बहुत ज्यादा आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तेरी प्रॉब्लम क्या है, तुझे चीजें समझ नहीं आ रही तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यार देखो भैया मेरे को यार चीजें याद नहीं होती, तो उनके लिए क्या टेक्निक्स हैं। तो जो हर एक तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम, क्योंकि कोचिंग में कोई आकर तुम्हें नहीं बताएगा, कोचिंग में तुम्हारे डाउट सॉल्व कर दें वही बहुत बड़ी बात है, मेंटोरिंग की तो बात छोड़ो। तो इसका मतलब है एक फ्री मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए यार लेकर आए हैं। तो दो टेलीग्राम चैनल, एक जेई का एक नीट का नया लॉन्च करा है, उसमें हम वीकली वीडियो कॉल सेशंस लेंगे जिसके अंदर हम सब मिलेंगे और हम सब बातचीत करेंगे, एंड उसका मेन मोटिव ये रहेगा कि यार अगर एक बच्चा जो कि डिप्रेस्ड है
उससे अगर मैं बात कर पाऊँ एंड उसके जो डाउट्स हैं मन में उसको अगर मैं रिजोल्व कर पाऊँ, उसको मैं मोटिवेट कर पाऊँ, अगर मैं एक स्टूडेंट की लाइफ भी बचा देता हूँ ना, तो यार ये मकसद पूरा हो जाएगा। अगर मैं एक स्टूडेंट की भी लाइफ बचा पाऊँ तो मकसद पूरा। तो ये दो चीज़ें हमने लॉन्च कर दी हैं और ये दोनों की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो यार एक ये रेवोल्यूशन है, एक ही शुरुआत है। मैं चाहूँगा और इंस्टीट्यूट आएँ और इंस्टीट्यूट बच्चों को फ्री में गाइड मेंटोर करें, क्योंकि यार आपने देखा होगा इनिशिएटिव्स बहुत लोग लेते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट करता कोई नहीं है। स्टूडेंट्स की रियलिटी में मेंटल हेल्थ पे कोई भी कोचिंग आज के समय पर फोकस नहीं कर रहा है, ये रियलिटी है। तो हमने वादा कर लिया कि हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि यार आप डिप्रेस्ड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार भैया यार मुझे समझ नहीं आ रहा, आपके लिए एक बहुत शानदार टेक्निक बताता हूँ। देखो, डिप्रेशन से निकलने के लिए एक टेक्निक है जो कि तुम्हें करना है। तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। तुम्हें एक पेपर लेना है और ये जो टेक्निक है साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। तुम्हें एक पेपर लेना है, उस पेपर पे अपने सारे थॉट्स लिखने हैं कि तुम्हें डर किस चीज से लग रहा है, डर किस चीज से लग रहा है। इमेजिन करो नीट एस्पिरेंट हो, भैया मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही, भैया मुझे एग्जाम का डर है, भैया मेरे पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं, भैया मुझे रैंक ना आने का डर है। तो इन चारों डर को लिख डालो यहाँ पर। जैसे ही तुमने चारों डर को लिखा, और उसके बाद ये बोलो खुद से कि इनमें से कौन कौन से ऐसे डर हैं जो कि मैं अपने हाथ से रिजोल्व कर सकता हूँ। जैसे फिजिक्स समझ नहीं आती तो हाँ उसको मैं पढ़ाई करके हटा सकता हूँ। भैया एग्जाम का डर, एग्जाम का डर का तुम कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो उस पर सर्कल मारो और उसको कट कर दो अपनी जिंदगी से, और इसके बाद उस बारे में सोचो। तो सिंपल सा मेथड है, जितने भी आपके डर हैं लिखो, और जो आपके हाथ में नहीं है, जिनको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते उनको अपनी जिंदगी से कट आउट कर दो, और जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हो उनको रिजॉल्व करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज, अगर आप एक पेरेंट हो और आपका बच्चा जो है वो डिप्रेस्ड है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार वो थोड़ा डिप्रेस्ड है, तो देखो आपको क्या करना चाहिए। यार सबसे पहले ना, अपने बच्चे को कभी सिंपथी मत दो। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा, या तो डांट देते हैं या तो सिंपथी देते हैं, कोई बात नहीं, वो वाली चीजें मत करो। क्योंकि एक स्टूडेंट जो कि परेशान है उसे सिंपथी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वैसे ही अपनी जिंदगी में बहुत हारा हुआ है, तो उसे सिंपथी नहीं चाहिए। तो भैया करना क्या चाहिए, अब ध्यान से समझना। अगर आप एक पेरेंट हो, है ना, अगर आप मेरे किसी स्टूडेंट के पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तो बस मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो कि आपको अपने स्टूडेंट से बोलनी है, एंड अगर आपने बोल दी ना, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो या ना हो, मैं ये गारंटी नहीं देता उसका सिलेक्शन होगा, बट मैं ये बोलता हूँ वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा उखाड़ेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। आपको बोलना क्या, इमेजिन करो यार आपका एक बच्चा जो कि थोड़ा परेशान आपको लग रहा है, तो सबसे पहले तो उसे पूछो कि क्या हुआ है, एंड उसकी चीज़ें जानने की कोशिश करो। दूसरी चीज़, जब भी उसके नंबर कम आए और वो परेशान है, तो उससे बस एक लाइन बोलनी है कि देख अपना बेस्ट दे, जितनी जी जान है उतनी लगा दे, बाकी अगर सिलेक्शन नहीं भी होता ना तो जिंदगी में इससे अच्छा कुछ कर लेंगे। उसे सपोर्ट दे दो कि यार अगर अपना बेस्ट तू दे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो इससे कुछ बड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर एक ये लाइन बोल दी ना अपने बच्चे को, मैं बता रहा हूँ यार, बहुत लाइफ ही बदल जाएगी एक स्टूडेंट की। उसका नीट या जेई में सिलेक्शन हो या ना हो, बट वो जिंदगी में कुछ बड़ा जरूर करेगा, ये चीज मैं आपको गारंटी से बताता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि मैं कुछ मदद कर पाया हूँ, मेरी टीम कुछ मदद करके आ पाई हो यार आपकी। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप 9th, 10th, 8th के बच्चे हो, तो मैं चाहूँगा कि यार आप इस वीडियो को अपने सीनियर्स, आपके जेई नीट के अगर आपके कोई भैया दीदी हैं उनके साथ शेयर करो, है ना, और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर करो। और 10th वाले, तुम अगर जेई नीट में आओगे तो तुम्हारे लिए तो हम खड़े ही हैं यहाँ पर, है ना, और 9th वाले अगर तुम 10th में आओगे तो 10th के लिए एक दूसरा चैनल हमारा खड़ा ही। तो हम हर एक स्टूडेंट की मदद करने के लिए यहाँ पर है। शुक्रिया एवरीवन, आई होप मैं कुछ मदद करके आ पाया हूँ। अगर मैं मदद कराया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट कर पाओगे तो बहुत खुशी होगी।